हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी, मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी जिसका नाम है टिनाइटिस। टिनाइटिस काफ़ी लोग जानते हैं कि एक एबनॉर्मल साउंड्स कान में सुनाई देते हैं, जो अलग अलग टाइप्स के रह सकते हैं, टिकिंग रह सकती है, विस्लिंग रह सकती है, या कुछ और अलग टाइप की आवाज़ें रह सकती हैं। ये कम रह सकती हैं, ज़्यादा रह सकती हैं, कंटिन्यूस रह सकती हैं, या कभी कभार आती हैं, इस तरह से रह सकती हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज ये इस तरह के जो एबनॉर्मल साउंड्स हैं ये काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं, और अगर इसकी सीवियरिटी ज़्यादा है तो इससे पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब इसके ये बीमारी जो है इसके कॉजेज बहुत हो सकते हैं, जैसा कान में सिर्फ कचरा, अगर कान के पर्दे के बाहर कचरा ज़्यादा है, या कान के भीतर अगर साइनसाइटिस या कुछ इन्फेक्शन है, या फिर इनर ईयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ कान के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, जैसा जॉ है, इस तरह स्कल है, ये जो है ये अवयवों में अगर कुछ प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ अगर जनरलाइज कंडीशंस भी कुछ है जिसमें बिगड़ाव कुछ आया है, जैसे फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर है या थायराइड की बीमारी है, तो इस तरह से काफ़ी बीमारियां हैं जिसकी वजह से टिनाइटिस हो सकता है। साइड बाय साइड कुछ कुछ दवाइयों की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तो इसका जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, ज़्यादा करके जो साइकेट्रिक दवाई हैं उस तरह की दवाएं दी जाती हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को कोई सेटिस्फैक्ट्री से आराम मिलता नहीं है। आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है काफ़ी सफलता से इस बीमारी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर यह है कि जो सबसे पहले तो यह है कि उसका जो कॉज है, ये बीमारी क्यों हो रही है, यह देख कर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो इनर ईयर है उसके अंदर क्या बिगड़ाव है, अगर कुछ वहाँ के जो सेंसरी है उसके अंदर डीजनरेशन है और उसके वजह से कुछ जो सेंस जो है, ऑडिटरी सेंस जो है ब्रेन को मिल रहा है वो बिगड़ जाता है, तो इसके हिसाब से क्या बीमारी है वो देखकर उसके हिसाब से उसका कॉज जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। और आयुर्वेदिक जो हर्बल दवाई हैं जो ऑडिटरी नर्व को और उसके जो इनर ईयर के जो कंपोनेंट्स है उसको सही करने के लिए दवाई दी जा सकती है। साइड बाय साइड अगर कोई जनरलाइज कंडीशन है तो उसको भी ट्रीट करना पड़ता है हर्बल दवाइयों से, और इसके साथ साथ कुछ लोकल एप्लीकेशन की दवाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा देखकर करना पड़ता है, क्योंकि जिस पेशेंट में अगर कुछ बाहर से डिस्चार्ज है कान में से तो अक्सर ड्रॉप्स डाले नहीं जाते हैं, लेकिन जिसका अगर जो ईयर का जो मेम्ब्रेन है, जो ईयर ड्रम है, ये अगर इंटैक्ट है, अगर ये फटा हुआ नहीं है, तो बाहर से तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऑन एन एवरेज रफली अबाउट 6 से 8 महीने का ट्रीटमेंट किया जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर सीवियर पेशेंट्स है, कुछ सीरियस कंडीशन है जो सिर्फ दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर आयुर्वेदिक पंचकर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन ओरल मेडिकेशन का और आयुर्वेदिक पंचकर्म ट्रीटमेंट का, इससे ऑन एन एवरेज 6 से 8 महीने के अंदर अच्छा खासा रिजल्ट आ सकता है, या कई पेशेंट्स में पूरी तरह से जो टिनाइटिस है, जो बीमारी है, वो जो आवाज़ आना है, एबनॉर्मल साउंड्स, इसको पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट का टिनाइटिस के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।